बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैमिली किचन में आज हम बनाने वाले हैं मटन कड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो ये बिल्कुल आसान रेसिपी है मटन कड़ी का। ये हमारा मटन है 800 ग्राम और ये 4 प्याज ले ली हूँ मैं मीडियम साइज का, स्लाइस में कट कर लिए हैं। लहसुन हमारे पास साबुत नहीं था तो मैं इस तरह से लहसुन डालूंगी। अगर आपके पास साबुत लहसुन है तो साबुत डाल दें। ये लाल मिर्च है और ये हरी मिर्च अभी डालेंगे। एक टमाटर है, इसको भी मैं बारीक स्लाइस में कट कर ली हूँ। अदरक, लहसुन का पेस्ट है, तेज पत्ता, दालचीनी का एक टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, 4 लौंग, काली मिर्च, साबुत। कुकर को हमने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए और इसमें तेल को डालेंगे। मैं सरसों तेल में बना रही हूँ, सरसों तेल में अच्छा बनता है मटन कड़ी। तो मटन हो या चिकन हो, ज़्यादातर सरसों तेल में अच्छा बनता है, इसलिए मैं सरसों तेल यूज़ करती हूँ ज़्यादा। तो हमने 3 चम्मच के करीब तेल को डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो रहा है, जब तक मैं यहाँ मटन को तैयार कर लेती हूँ। तो मटन में हम सबसे पहले प्याज डालेंगे। प्याज को सारा ही डाल दिया, मिर्ची, लहसुन, लहसुन हम बिना छीले हुए डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 चम्मच, छोटा चम्मच से 3 चम्मच है, इसे भी डाल देंगे। टमाटर 2 चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा तेल डाल के हम मिक्स कर लेंगे। तो सारे मटन को हम अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। कश्मीरी मिर्च डालेंगे, कश्मीरी मिर्च हम भूल गए थे तो अब डाल देते हैं। 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा जीरा डालेंगे। इसके बाद ये खड़े मसाले सारे डाल देना है। थोड़ा सा हल्का सा चटकने देंगे मसाले को। अब ये मटन डाल देंगे, हमने मिक्स करके रखा था, ये मटन डाल देना है। बिल्कुल आसान रेसिपी है, आप लोग जरूर बना के ट्राई करें। ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनता है। ये मटन 1 से 2 मिनट भून लेना है मटन डालने के बाद। इसमें डालेंगे 1/2 गिलास पानी। मटन को गलाने के लिए पानी डालना है। मटन हमारा जो है वो बिल्कुल बच्चे का है तो इसलिए हमने कम पानी डाला है। 4 से 5 सीटी में तैयार हो जाएगा मटन। मैं ढक्कन को बंद कर देती हूँ और 4 से 5 सीटी लगा लूँगी मटन में। तो मटन को पहले मैं 2 सीटी हाई फ्लेम पे लगाऊंगी, उसके बाद मैं कम से कम 3 से 4 सीटी लगेगा मीडियम फ्लेम पे। कुकर खोल के देखते हैं मटन गला या नहीं। तो ये देखिए मटन का कलर कितना प्यारा आया है।
अब देखते हैं मटन मटन का क्या हाल है, मटन गला या नहीं गला है। बहुत गर्म है तो इसलिए मैं थोड़ा पानी से हाथ भिगा के कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल गल गया है मटन। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे 3 से 4 मिनट। तो मटन को मैं 3 से 4 मिनट भून ली हूँ। ये देखिए हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे, तो 1 गिलास पानी डालेंगे, 1/2 गिलास और डालते हैं। तो आपको जैसे रखना है ग्रेवी या सूखा भुना उस तरह से आप रख लेना। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। तो ये देखिए हमारा मटन कड़ी माशाल्लाह बहुत टेस्टी बहुत खुशबूदार बन के तैयार हुआ है। तो क्यों है ना आसान सा रेसिपी। धनिया पत्ती डालेंगे यहाँ पे। टेस्टी टेस्टी हमारा मटन कड़ी बन के रेडी हो गया है इस तरह से। आप लोग भी इस तरह से बनाएं, बहुत आसान रेसिपी है, बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है ये मटन कड़ी। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।